स्ट्रेचर बॉन्ड बनाया हुआ है ना, जी सर। स्ट्रेचर बॉन्ड हमारे सामने से कैसे दिख रहा है, पूरा एक ईंटे का ये सामने वाला भाग क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रेचर है ना, स्ट्रेचर ये वाला भाग होता है। और इधर वाला जो होता है भाग ये दिख रहा है मेरा हेडर, तो हेडर जो भाग है तो हेडर भाग अलग होता है, पूरा हेडर हेडर जाता है, उसे हम हेडर बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमारा भाग पूरा जा रहा है, पूरा देखेंगे पूरा पार्ट पर्सन इसका दिख रहा है स्ट्रेचर का, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड। और हम इसको कहाँ भी योग करते हैं, कहाँ चिनाई करते हैं इसको, ज्यादातर 4 इंच पार्टीशन वाल में है ना, 4 इंच दीवार जो होता है पार्टीशन वाल में उपयोग करते हैं तो, है ना। और इसका मसाला कितना एमएम बिछाया है, 10 एमएम का मसाला बिछाया है। और इसमें इसका दूरी कितना रखते हैं, 10 एमएम का, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमएम है ना, 10 एमएम का मसाला बिछाते हैं। और इसमें मसाले का रेशियो कितना रहता है, 1:4 का ना, 1:4 का रेशियो होता है। और इसमें से 1:4 का क्यों लेते हैं, ताकि वो मसाला हार्ड रहता है, और 1:6 का नहीं ले सकते क्योंकि कमजोर हो जाएगा, है ना जी सर, तो इसलिए 1:4 का रेशियो लेते हैं। इसका भाग का ये गड्ढा जो होता है क्या होता है, ये फ्रॉग बोलते हैं इसको, फ्रॉग का होता है काम अगला लेयर, जब कल चिनाई करेंगे पकड़ने के लिए होता है ना, अगला लेयर लास्ट रद्दे में इसको साफ कर देते हैं, है ना जी। नीचे का भाग ऊपर भाग पकड़ लेता है, मसाला रहता है पकड़ लेता है, इसीलिए हम इसको इसका ये होता है उपयोग, है ना। इसका जॉइंट पॉइंटिंग करते हैं, यहाँ पे 10 एमएम का जो होता है ये हम पॉइंटिंग करते हैं, मसाला जब प्लास्टर करेंगे जब, तो पॉइंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम जब प्लास्टर करें तो बढ़िया से प्लास्टर पकड़ ले, पकड़ता है कि नहीं, पकड़ता है, मजबूत रहता है। अब बाहर का फेस का क्या, कितना हम मसाला प्लास्टर करेंगे, 10 एमएम, और अंदर का कितना करेंगे, 10 से 15 एमएम तक हो जाता है, है ना जी सर। तो 9 इंच दीवार में, और इसमें से ये तो हो गया, अब इसका बताएंगे साइज कितना होता है, ईंटे का साइज कितना है, स्ट्रेचर कितना है, 230, और हेडर, हेडर कितना है, हेडर, हेडर 110 है, और इसका मोटाई कितना है, 70 एमएम, साथ में ही बोलिए 70 एमएम, ठीक जी सर। इसमें डेली होता है, डेली काट लेंगे, हाफ काट लेंगे, आप आधा जिसको बोलते हैं, इसको 3 पौवा बोलते हैं, इतने से कट जाएगा ये 3 पौवा, तो हमेशा 3 पौवा का उपयोग नहीं करना है। कौन सा उपयोग करेंगे हम, डेली का क्विंक क्लोजर डेली का उपयोग करेंगे, है ना। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे हम, साहुल बोलेंगे, है ना, प्लम्बर। प्लम्बर का काम क्या होता है, खड़ी दीवार का सिधाई चेक करते हैं, है ना, खड़ी दीवार का सिधाई चेक करेंगे। साहुल में 3 एमएम तक छोड़ना है, है ना, 3 एमएम एक सूत में, ठीक ठीक सूत में ही चलना है। और ये तो है, तो स्पिरिट लेवल का काम जानते ही हैं कि ढाल चेक करते हैं इसमें, है ना, फर्श का। और ये प्लास्टर के समय होता है, और ये करनी जुड़ाई करने के लिए मसाला बिछाएंगे और मसाला चिपकाएंगे प्लास्टर के समय, और जॉइंट को भरेंगे। और एक होता है सबसे मुख्य औजार क्या होता है, राजमिस्त्री का इंची टेप, है ना, इंची टेप, मेजरमेंट टेप, सबसे ज़्यादा मुख्य औजार टेप ही है, तो टेप के बिना काम नहीं कर पाएंगे, आया समझ में जी सर। चलिए ठीक है। और एक और होता है, ईंटा 2 प्रकार से है ना, एक कौन सा है, मॉडलर, एक साधारण। मॉडलर का कितना होता है,
190 mm उसका लंबाई होता है, चौड़ाई 90 और मोटाई उसका 90 है ना। तीनों को गुना करेंगे तो आपका वॉल्यूम उसका निकल जाएगा 1539 एम क्यू क्यूबिक में। ठीक, क्लियर ना? चलिए ठीक है।